अभी तक 3 बार भट्टा निकालकर करीब 2 लाख ईंट बेच चुके। पहली बार समूह से 1 लाख रुपए का लोन लेकर ईंट भट्टा लगाया था। इस समूह ने 12 लोग के साथ काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के साथ दूसरे कामों में इनकी ईंटों का उपयोग होने लगा। गांव के बाहर भी ईंटों का व्यापार होने लगा और अब फायदे का सौदा यह साबित हो रहा है। हमारे समूह की महिलाओं को एक और जहां रोजगार मिला तो वहीं कई सुविधाएं भी मिल रही है। विकास खंड उदयगढ़ की यह सदस्य है जिन्होंने जानकारी साझा की है। उदयगढ़ द्वारा जिला पंचायत सीईओ संस्कृति जैन के मार्गदर्शन में गीता आजीविका स्व सहायता समूह कालूबाट को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा के द्वारा यह लोन दिया गया था। यहाँ 2 लाख रुपए की उनकी लिमिट थी। कस्तूरी मावी ने 1 लाख रुपए का ऋण लेकर गांव में पहली बार ईंट भट्टे का काम शुरू किया और अब यह ऊंचाइयां छू रहा है। सच है, परिश्रम करें, सरकार मदद कर रही है, लोग आगे बढ़ रहे, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को भी मिल रहा है। जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी पवन शाह के अनुसार समूह के प्रयास से अब गाँव के लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं, साथ साथ रोजगार के अलावा सुविधाएं भी मिल रही है। विकास खंड प्रबंधक विजय सोनी के अनुसार वर्तमान में ग्राम खंडाला राव और बाड़ी सुड़ी में समूह के सदस्य ईंट भट्टे का कार्य का लाभ कर रहे हैं और लाभार्जित का काम भी कर रहे हैं। मारो कस्त्री बहन नाव गीतेश कलवाट काई काम करने मन रहे तो ईट पढ़ाई रहा ईट पढ़ाई रहा कितना पैसा समूह को थी लोन ली था लाख कितना भट्टा बेची दी था तीन काय भाव बेची रे 2,750 अच्छा हमें तो कितना भट्टा बेची था तीन ये कौन ली जाए रे ये गाम मासी कुटीर वाला ली जाए रे एक भट्टा में कितना रुपए भरा ही रहा कितना 2 लाख तीन भट्टा है क्या तीन भट्टा है तो सब खर्चो काटी ने कितना रुपया कमाई है थी तीन लाख रुपया कमाई समूह ने पैसा बच्चा भर दी था पैसा भर देता हाई घर वाला खुश है कि घर वाला की खुश है कि खुश हो देना मेरा नाम रेम सिंह मावी है और मैं कालोवाट का रहने वाला हूँ। समूह ने लोन लिया था ग्रामीण बैंक से 1 लाख और समूह वाले 10-12 लोग काम कर रहे हैं और ईंट बेची और 3 भट्टे अभी बिके हैं और ये प्रधानमंत्री आवास वाले योजना वाले ले जा रहे हैं ईंट। पहले कहाँ से ईंट लाते थे? पहले अलीराजपुर भाभरा से लाते थे, अभी गांव में सुविधा हो गई तो यहाँ से ले जा रहे हैं।